बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ हम तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल व करम से खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ग्लास स्किन का एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। ग्लास स्किन के बारे में आए दिन बहुत सारी यूट्यूब पर हम लोग सर्चेस करते हैं कि किस तरीके से ग्लास स्किन घर पर पा सकते हैं, तो बहुत महंगे महंगे हम सीरम अफोर्ड नहीं करते हैं। तो घर पर आपको विटामिन सी सीरम बनाने का तरीका सिखाऊंगी बिल्कुल प्योर और डिफरेंट तरीके से, जिसके सस्ता सीरम बनाने के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को बिल्कुल ग्लास स्किन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारे दाग धब्बे खत्म करके आपकी स्किन स्पॉटलेस, फ्लॉलेस और हेल्दी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें विटामिन सी की टैबलेट्स चाहिए, आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं बहुत आसानी के साथ। यहाँ पे मैंने दो टैबलेट्स लिए विटामिन सी की और उनका अच्छे तरीके से पाउडर बना लिया। देखिए आपने बिल्कुल अच्छा पाउडर बनाना है इसका, उसके बाद हम इसको बनाने का तरीका स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी में आपने एक से दो टैबलेट्स का जो है वो पाउडर इसमें ऐड कर देना है और उसमें एक चम्मच हम ऐड करेंगे एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि खालस सेब का सिरका। सेब का सिरका आपको मार्केट में बहुत आसानी के साथ मिल जाता है, हम सिर्फ इसमें एक चम्मच ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसमें एक चम्मच ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। अगर आप मार्केट का करना चाहें तो गुड है, अगर आप घर का फ्रेश वाला करना चाहें तो भी ठीक है। लास्ट में हम इसमें आधा टी स्पून ऐड करेंगे सैंडलवुड पाउडर, यानी कि संदल की लकड़ी का पाउडर। ठीक हो गया, तो इन तमाम चीज़ों को आपने एक बार फिर अच्छे तरीके से मिक्स करना है, यहाँ तक कि ये सीरम की कंसिस्टेंसी में आ जाए। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए और आपकी टैबलेट्स का पाउडर बिल्कुल भी मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, दानेदार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पाउडर की शक्ल में होना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद का सीरम बन के हो जाता है तैयार। आपको इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करना है, इसको आपको स्टोर करना बहुत आसान है। इसको आपने ठंडी जगह पर रखना है, इसको आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखें या आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। आप दिन में या नाइट में किसी भी वक्त इसको अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर लें। आप इसे हाथ की मदद से, कॉटन बॉल की मदद से या फिर ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंगल कोट, एक सिंगल लेयर इसके अप्लाई करके स्किन के ऊपर आपने छोड़ देनी है। अब इसको कितनी देर के लिए छोड़ना है, सिर्फ इतनी देर के लिए कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। इसको ड्राई होने में 5 से 6 मिनट महज लगेंगे, 5 से 6 मिनट के बाद मिलते हैं। से 6 मिनट के बाद सीरम हमारा अच्छे तरीके से ड्राई हो गया, तो आपने इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से स्क्रबिंग करनी है, लाइट लाइट सा। इसके ऊपर जो भी आपकी स्किन जो है वो डेड लेयर उतरी होगी, आपको पहले यूज से फील होगा, तो वो आपने इसके ऊपर से रिमूव कर देनी है और आपकी स्किन के ऊपर बाकी सीरम जो है वो लगा रहने देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग में आपने अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। सिर्फ 4 से 5 दिन के इस्तेमाल से आपकी स्किन से सारे दाग धब्बे बहुत तेजी के साथ रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी और बहुत ज्यादा स्पॉटलेस हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। इसको मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, बिल्कुल भी ये विंटर में खराब नहीं होगा। इसको इस्तेमाल करें, बहुत सस्ता सीरम है और आपकी विश को पूरा करेगा ग्लास स्किन वाली। ठीक हो गया जी, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि दूसरों की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से बड़ी बड़ी मोहब्बतें जन्म लेती हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।